ओके वीडियो ऑन. हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हो आप सभी? आई नो आप सभी बढ़िया ही होंगे, मैं ही बस बढ़िया नहीं हूँ. सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ व्लॉग. हाँ, आप सभी चाहते थे कि मैं अपना बोर्ड एग्ज़ाम का डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँ. मतलब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसके रिजल्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. सो वही मैं करने वाली हूँ. देख लो भाई मैं कैसे पढ़ती हूँ. मेरी प्रिपरेशंस तो हो चुके हैं, बट मैं फिर से करने वाली हूँ. हो इसलिए चुके हैं बिकॉज प्री बोर्ड के लिए मैंने बहुत अच्छा खासा पढ़ रखा था, एंड इससे पहले मेरा अभी मैथ का एग्ज़ाम हो भी चुका है, एंड कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है, एंड मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ. वाओ, चार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को यूट्यूब दूर रहना चाहिए. अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो. तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इस वीडियो में भी मैं वही दिखाऊंगी जो मैं पढ़ने वाली हूँ. मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, क्यों पढ़ती हूँ, काहे का पढ़ती हूँ, सब पता चलेगा आपको. एहे, रहा नहीं जाता. I know you are going to fail the exam. तेरा कुछ नहीं होने वाला. अरे सो गाइज, अभी मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए मूड बना रही थी, बिकॉज जब तक मेरा पढ़ाई करने का मूड नहीं बनता तब तक मैं पढ़ाई कर नहीं पाती. सो यस, सो पढ़ाई का मूड बन रहा है. 30 minutes later. सो गाइज, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर पढ़ने के लिए. तो सारा अब हो गया एंजॉयमेंट, अब हम लोग जाएंगे छत पर पढ़ने के लिए. सो लेट्स गो. बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि मैं किस तरीके से पढ़ने वाली हूँ. तो सबसे पहले तो मैं अपनी लिटरेचर की जितनी भी टॉपिक्स हैं उन्हें कम्प्लीट करूँगी. लिटरेचर कम्प्लीट करने के बाद मैं जाऊँगी अपने प्रैक्टिस पे, लाइक जिसमें मेरे सारे ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं. सो गाइस, सबसे पहले मैं ओपन करने वाली हूँ मेरा लिटरेचर का बुक, एंड उसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी अपना लास्ट चैप्टर. सो दिस इज़ हाउ आई लर्न. मतलब मेरे को आदत है कि मैं जो सबसे अंत में हूँ मैं उससे स्टार्ट करूँगी. गाइज़, मैंने स्टोरी रीड कर लिया है, एंड इसके बाद अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाली हूँ. सो लेट मी शो यू द पेजेस. तो मैंने पढ़ लिया ये स्टोरी, एंड बहुत अमेजिंग स्टोरी है मैंने. सो नाउ मैं जो ये क्वेश्चंस हैं इसके खुद से आंसर देने की कोशिश करूँगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई वॉज मिस्टर हिल अपसेट विद एनी? Mr. Hill was upset with Annie because she was not a good cook, and she don't even know how to prepare a good coffee. सो इसमें क्या करती हूँ ना कि मेरे जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाते हैं मैं उनके सामने ना टिक मार देती हूँ. तो यहाँ पर मेरा बैड ड्रीम हो गया है, तो मैं यहाँ पर डबल टिक्स पे लगा दे रही हूँ. नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है बैंगल सेलर्स गाइज, एंड ये चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है. 20 मिनट बाद सो मैं ये वाला चैप्टर अब पढ़ूंगी. 3 questions. अच्छा गाइस, ये बताओ कि आप लोग में से कौन से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत महीनों पहले से ही एग्जाम की तैयारी कर देते हैं? भाई मैं तो ऐसी नहीं हूँ. मेरा तो कभी कभी ऐसा सिचुएशंस रहता है कि मैं एक दिन पहले ही किताब लेके बैठती हूँ. एक दिन क्या, कभी कभी तो मैं रात के 9 बजे ही किताब लेके बैठती हूँ, और कभी कभी तो क्या, मैं रात के 12 बजे ही किताब लेके बैठती हूँ. सो ऐसा मेरे साथ हो जाता है. शिवरात्रि भी है, तो बैकग्राउंड नॉइज अगर आ रही हो तो प्लीज उसे इग्नोर करना. एंड अभी मेरे 4 chapters हो गए हैं गाइस. मैं 1 घंटे से पढ़ रही थी, और सच पूछो तो 1 घंटे से ज्यादा मुझसे लगातार में पढ़ाई नहीं होता है. उसके बाद अभी 1 घंटे का हम लोग ब्रेक भी लेंगे.
1 घंटा पढ़ाई और 1 घंटा का ब्रेक। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सो गाइस, अभी मैं खाने वाली हूँ ये दो चीजों को एंड दो को मेलोडी को खाने वाली हूँ, गोगो ने खाना। यहाँ पे मेरे पास दो मेलोडी है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है भाई, सच में मुझे भी नहीं याद पता। तो मैंने यहाँ पर एक नूडल लिया है जो बहुत टेस्टी है, एक्चुअली में बहुत टेस्टी लगता है ये, तो इसलिए मैं ये खाती हूँ। सो गाइज, अभी हो रहे हैं 3:55 एंड मैंने अभी एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। मैं 3:12 में आई थी फिर से पढ़ने, बट मैं शूट करना भूल गई। अब मैं करने वाली हूँ स्टार्ट द लंचियन। मैंने जितने भी पोएम्स हैं उन्हें लास्ट में करने का सोचा है, बिकॉज उसमें मुझे फिगर ऑफ स्पीच भी समझना है एंड उसके राइम स्कीम भी, मतलब मुझे देखना पड़ेगा एंड उसके मीनिंग्स को भी समझना पड़ेगा। 1 घंटे बाद सो गाइज, मेरा लिटरेचर कंप्लीट हो चुका है एंड बाय टेकिंग रेस्ट एंड ब्रेक्स मेरा ये हो गया है सिर्फ आई थिंक 3 घंटे में एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा लिटरेचर हो गया। बाद अभी मैं लेने जा रही हूँ 1 घंटे का ब्रेक एंड उसके बाद हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे एंड इवन आई एम गोइंग टू लाइक सी द राइटिंग सेक्शंस वाले थिंग। सो नाउ चलो कुछ खाने के लिए बनाते हैं, बिकॉज मैंने बहुत दिन से कुछ टेस्टी नहीं खाया। सो लेट्स गो। गाइज, जैसा कि मैंने कहा था कि अब मैं नाश्ता करूंगी एंड मैं मैक्रोनी बनाऊंगी, तो यहाँ पे मेरा मैक्रोनी बनके हो चुका है तैयार। दिस इज हाउ इट लुक्स गाइज, बहुत ही सुंदर एंड टेम्पटिंग सा लग रहा है ना, मुझे पता है। सो लेट मी फिनिश इट एंड देन आई विल टॉक टू यू नेक्स्ट डे। एक मिनट, लेकिन बीच की वीडियोस कहाँ गई? सो गाइज, हमेशा की तरह आपकी प्यारी श्रेया। एक सेकेंड, लेकिन मैं प्यारी तो हूँ ही नहीं एक्चुअली ना, मैं उसके बाद वीडियो ही बनाना भूल गई थी, तो उसके लिए सॉरी। और आप भी इट्स ओके कह देना कमेंट में, ओके? हमेशा। अबे साले। सो गाइस, अभी मैं कितने बजे उठी थी रे मम्मी, हम कितने बजे उठे थे? 5। तो मैं 5 बजे उठी थी और उस वक्त से मैं पढ़ रही थी, रिवाइज कर रही थी जितना भी मैंने कल रात तक पढ़ा था एंड ऐसे ही मैं पढ़ती हूँ, मतलब वही। बाप रे, मेरे बाल कितने सफेद है। मम्मी चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। हम लोग के घर में गेस्ट आने वाले और मैं नहीं रहूंगी, हाँ, क्योंकि हम एग्जाम देने जाएंगे। तो गाइस, मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्रश। सो गाइस, मैं जा रही हूँ स्कूल। ये है मेरा मास्क और ये पहन के मैं जाऊंगी स्कूल एंड आज एग्जाम और मैंने आपको दिखाया कि मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ और अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हो तो मत करना, नहीं तो फेल हो जाओगे। अबे साले, मेरा स्कूल 10:30 बजे से है और अभी मैं निकलूंगी जब मेरे पापा आएंगे और फिर वहां से मैं अशोक अंकल के साथ चली जाऊंगी मुजफ्फरपुर। वहां जाने में 1 घंटा, मतलब 1 घंटा आप 1.5 घंटा लग जाएगा मोटरसाइकिल से, जितना से। हाँ, वही बाइक से, मोटरसाइकिल ही हम लोग बोल देंगे। समझ रहे हो ना। सो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ अपने स्कूल से 1 घंटे का रास्ता करके एंड गाइस मैं बता देती हूँ, मेरा एग्जाम उतना ही अच्छा गया जितना मैंने तैयारी किया था, मतलब जितना मैंने तैयारी किया उस हिसाब से बहुत 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 अच्छा गया है एंड जो भी कटने वाला होगा नंबर वो तो काट ही लेंगे टीचर्स एंड हो गया। यही था मेरा स्टडी रूटीन नहीं कह सकते इसको, मतलब व्लॉग कह लो, बिकॉज मुझसे नहीं बनने वाला रूटीन वीडियो। तो इसी में खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो। इफ यू लाइक मी एंड माय कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड गाइस, अगर आप मुझे कुछ भी सर्च करना चाहते हैं देन कमेंट बिलो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बाय बाय। रुको जरा, सब ज्यादा मैंने अपने हाथों को ऐसे से हिला दिया, सॉरी।